नमस्कार, यूपी स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो सोमनाथ मंदिर में आज वो पूजा अर्चना करेंगे, फिर सोमनाथ विधानसभा जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज वो प्रचार भी करने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी मान सिंह भाई परमार के लिए आज वो वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो भावनगर जिले के गरियागढ़ विधानसभा में भी वो प्रचार करने वाले हैं, और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी केशु भाई नकरानी के लिए आज वो वोटों की अपील करेंगे। तो अमरेली जिले में सावर कुंडला विधानसभा भी में भी उनका जनसभा होने वाली है। तो बीजेपी प्रत्याशी महेश भाई काशवाला के लिए आज वो प्रचार करेंगे। साथ ही शाम 4:30 बजे से विराम गरम विधानसभा में भी आज वो रोड शो करने वाले हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज उनकी रैलियां भी होंगी, साथ ही साथ जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, साथ ही लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के भी दौरे हो रहे हैं गुजरात में। तो सोमनाथ मंदिर में पहले वो आज पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद सोमनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज वो प्रचार भी करने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी मान सिंह भाई परमार के लिए आज वो वोटों की अपील करेंगे। इसके बाद भावनगर जिले के गरियागढ़ विधानसभा में भी आज वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी केशु भाई नकरानी के लिए भी वो वोट मांगेंगे। तो अमरेली में जब वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सावर कुंडला विधानसभा में जब उनकी जनसभा होगी, तो उस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी महेश भाई काशवाला के लिए प्रचार भी करेंगे, और शाम 4:30 बजे से विराम गरम विधानसभा में उनका रोड शो भी होने वाला है। तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा है, लगातार उनके गुजरात दौरे पर है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो सबसे ऊपर थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है गुजरात में। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सोमनाथ मंदिर में पहले वो पूजा अर्चना करेंगे आज, फिर उसके बाद सोमनाथ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज वो प्रचार भी करने वाले हैं। उस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी मान सिंह भाई परमार के लिए वोट भी मांगेंगे। तो भावनगर जिले के गरियार विधानसभा में आज वो प्रचार करने वाले हैं, जिस दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी केशु भाई नकरानी के लिए वोटों की अपील करेंगे। इसके बाद अमरेली जिले में सावर कुंडला विधानसभा भी करेंगे वो जनसभा, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी महेश भाई काशवाला के लिए आज वो प्रचार करने वाले। तो शाम 4:30 बजे से विराम गरम विधानसभा में उनका रोड शो भी होने वाला है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो आज सोमनाथ मंदिर में भी वो पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो प्रियम, आज गुजरात दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का आज एक खुशी गुजरात का दौरा है, और गुजरात के दौरे के दौरान वो 3 जनसभाओं को अलग अलग यहाँ पे संबोधित करेंगे। गुजरात के योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर में, सबसे पहले माफ करना प्रियम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। तो गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, तो सोमनाथ मंदिर में आज वो पूजा अर्चना करने वाले हैं, तो सोमनाथ विधानसभा में आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो प्रचार भी करेंगे। तो इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मान सिंह भाई परमार के लिए आज वो वोट भी मांगेंगे। तो इसके बाद भावनगर जिले के गरियार विधानसभा में उनका वो प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी केशु भाई नकरानी वो के लिए वो वोट मांगने वाले हैं इस दौरान। तो अमरेली जिले में सावर कुंडला विधानसभा में भी आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी महेश भाई काशवाला के लिए प्रचार करेंगे। तो शाम 4:30 बजे से विराम गरम विधानसभा में उनका
रोड शो भी होने वाला है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली में, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देश की इन सभी सांस्कृतिक और नैतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है। मुझे संतोष है कि आज देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचीन आदर्शों को और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए ई इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस शुरुआत के लिए और ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार, हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृत काल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है, जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स,
भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा, आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनके संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षयानी वेलियावुधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है। जब हमारे युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा। इससे संविधान के प्रति जो निष्ठा पैदा होगी वो हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। आजादी के अमृतकाल में ये भी देश की एक अहम जरूरत है। मुझे आशा है संविधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक ऊर्जा देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ई न्यायालय परियोजनाओं के तहत कई पहलुओं की शुरुआत की है, जिनमें वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्ट आईएस मोबाइल ऐप और अन्य चीजों की आज जो है उन्होंने वो ये सब शामिल है। तो वहीं पर आज उन्होंने जनसभा को जब संबोधित किया तो उस दौरान युवाओं पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया कि जो संविधान है किस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हमने उस समय जो है फेस की है, तो उसी पर जो है युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिस्कशन होना चाहिए, उनको उस बात पे अवेयर करना चाहिए कि किस तरह के उस समय हमने प्रॉब्लम जो है झेली थी। तो इसी बीच उन्होंने महिलाओं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से महिलाओं का योगदान भी संविधान में रहा है, संविधान बनाने में रहा है, किस तरह से उनकी भूमिका रही है, तो उन्होंने इन सभी का जिक्र किया। तो खबर कानपुर से है, जहां पर शादी समारोह में बाउंसर की गोली लगने से मौत हुई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शादी समारोह के दौरान बाउंसर की गोली लगने से मौत हो गई है। तो बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार में थी शादी, तो उस दौरान ये शादी समारोह के दौरान बाउंसर की गोली लगने से मौत हुई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी समारोह में बाउंसर की गोली लगने से मौत हुई है। तो बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार में ये शादी समारोह चल रहा था, तो उस दौरान बाउंसर से गोली चली और एक की मौत हो गई। तो समारोह की सुरक्षा के लिए अब बाउंसर बुलाए गए थे, तो साथी की बंदूक से चली गोली से बाउंसर की
मौत हो गई है। तो वहीं पर रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस कार्रवाई के बगैर मृतक के परिजन शव को ले गए हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे से जुड़ गए हैं। असलम, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला रेल बाजार थाना क्षेत्र का है और ये रॉयल गार्डन वहीं पर पड़ता है मेन रोड पर, वहीं ये पूरा हादसा सामने आया है जहां पर शादी के दौरान जो है जो बाउंसर होते हैं, जो सुरक्षा गार्ड होते हैं, उनमें बताया जा रहा है कि गोली चल गई थी दूसरे पर हार्ड फायरिंग के दौरान, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसके बाद तत्काल प्रभाव से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में मौके पर पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है क्या हार्ड फायरिंग थी या फिर जो फायर हुआ है वो धोखे से हुआ है। इन सब तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है और फिलहाल आपको बता दें कि जो शादी की जो रौनक थी वो एक तरह से मातम में तब्दील हो गई है। असलम, इसमें यह भी कहा जा रहा है जो मृतक है उसके परिजन शव को ले गए हैं बिना पुलिस की कार्रवाई के बगैर। जी बिल्कुल, जिस वक्त ये गोली लगी है उसको तो तत्काल प्रभाव से उसको, क्योंकि उस वक्त पुलिस पहुंच नहीं पाई थी, तो ऐसे में जो परिजन थे बगल में ही थोड़ी दूर पे हॉस्पिटल है, कृष्णा हॉस्पिटल है, वहां पर लेके पहुंच गए थे। उनको एक आस थी कि बेटा बच जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हो सका जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और जांच के बाद ही ये गोली किस तरीके चल रही है, किसने मारी है या इसके पीछे क्या कारण है, उन सभी कारणों का पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बलिया के जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक एम्बुलेंस चालक एक मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का ये कहना है कि मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया था, तो स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जो पोस्टेड इसमें है डॉक्टर और फार्मासिस्ट, उससे पूछा है, बात किया है, अभी आपसी रंजिश के चलते उनका है या उनका क्या है, अब इसके तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। स्पष्टीकरण लोग देंगे, वो कल ही उनको दे दिया गया, जैसे संज्ञान में आए तैसे उनसे स्पष्टीकरण ले लिया गया है, उनके आने के बाद जैसे होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या स्पष्टीकरण में उन्होंने दिया सर? अभी नहीं दिया है। तो बलिया से ये खबर है जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक एम्बुलेंस चालक एक मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहा। तो वीडियो वायरल होने के बाद जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का ये कहना है कि मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बलिया से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। तो बलिया के जिला अस्पताल का ये वीडियो है जहां पर मरीजों की जान से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है वो आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो वायरल वीडियो में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक एम्बुलेंस चालक एक मरीज को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहा। तो वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक ने कहा है पहले डॉक्टर और फार्मासिस्ट से स्पष्टीकरण इस पर मांगा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रसिद्ध कवि लेखक और गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो प्रसून जोशी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी है, तो उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी। तो राज्य की संस्कृति को उन्होंने प्रोत्साहित किया है और साथ ही साथ पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई है। तो ग्रेटर नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर
प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, तो आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इसके बाद इलाके में भी भगदड़ मच गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई, तो आग ने अब देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके बाद से ही इलाके में अब हड़कंप मच गया है, तो आसपास की कंपनियों को भी अब खाली करा दिया गया है। तो इकोटेक वन एक्सटेंशन इंडस्ट्री एरिया कासना की पूरी घटना बताई जा रही है। तो फायर सर्विस की गाड़ियां भी आग बुझाने में जुटी हुई है, तो लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण अब स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ग्रेटर नोएडा की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक से प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, तो आग ने अब देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है, तो आसपास की कंपनियों को भी खाली करा दिया गया है। वहीं पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंच चुकी है, लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही बिजनौर के नेशनल हाईवे 119 के पास तेज रफ्तार दो कारों के आमने सामने टक्कर हो गई, तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे ही उड़ गए। तो हादसे में दोनों कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अब अस्पताल में भर्ती कराया है। तो बिजनौर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो तेज रफ्तार में दो कारें आपस में ही भिड़ गई और टक्कर इतनी भयावह थी कि गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो यूपी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।